चलो ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। दो ब्लॉक्स है हम लोग के पास, और एक बड़ा वाला ब्लॉक है जिसका मास, ये बड़े वाले ब्लॉक का मास कैपिटल एम है और इस छोटे वाले ब्लॉक का मास स्मॉल एम है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो बड़े वाले ब्लॉक को आगे खींच रहा है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है मास ऑफ एम एंड स्मॉल एम। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, तो इन दोनों ब्लॉक्स के बेसिकली हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पर एक बार हम लोग बना लेते हैं। एक पुली यहाँ लगी हुई है और ये पुली यहाँ से एक ब्लॉक से अटैच है, ये ब्लॉक जो स्मॉल एम है, और ये पुली यहाँ ऐसे स्ट्रिंग पास हुई है, और ये एक बड़े से ब्लॉक से यहाँ पे ऐसे कुछ अटैच है जिसका मास कैपिटल एम है, और ये क्वेश्चन ऐसा कुछ है। तो ये जो ब्लॉक है बेसिकली अगर आप देखोगे तो इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा है, और ये इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो मान लेते हैं कि बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए वन है और ये छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो कि आगे जा रहा है दैट इज ए टू है। तो ए वन और ए टू तभी निकाल पाएंगे जब हम फोर्स इक्वेशन लिखेंगे सभी के और उसको सॉल्व करेंगे। स्ट्रिंग सेम होती है तो टेंशन सेम होती है, तो चलो मान लेते हैं स्ट्रिंग मासलेस है तो इसमें टेंशन टी है, तो इसमें भी टेंशन टी ही होगा, वही स्ट्रिंग है, लेकिन इसमें टेंशन कितना होगा, टू टी होगा। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है और पीछे इसको स्ट्रिंग अटैच है, तो क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के हमेशा अवे लगता है टेंशन, तो यहाँ टेंशन टू टी है और ये जा रहा भाई आगे एक्सेलरेशन ए वन से। तो अगर मैं इस पे एफ इक्वल टू एम ए लगाता हूं तो नेट फोर्स इस पे आ जाएगा एफ माइनस टू टी दैट इज कैपिटल एम और इसका एक्सेलरेशन ए वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अगर आप देखेंगे छोटू वाला ब्लॉक जो छोटू है, प्यारा छोटा सा प्यारा सा है, तो ये स्मॉल एम है, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है क्योंकि सरफेस स्मूथ है टेंशन टी, और ये जा रहा है एक्सेलरेशन ए टू से। तो नेट फोर्स लिखोगे एफ इक्वल टू एम ए इस पे लगाओगे तो नेट फोर्स टी आ जाएगा, इसका स्मॉल मास इसका एक्सेलरेशन ए टू दैट इज इक्वेशन सेकेंड। तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अभी ये सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि तीन अननोन वेरिएबल है, ए वन है, ए टू है और टेंशन टी है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन ए वन और ए टू को रिलेट करना पड़ेगा। तो हम लगाते हैं सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो ऑन बोथ ब्लॉक्स, जिसे हमें एक्सेलरेशन रिलेट हो जाएगा। तो स्मॉल एम पे टेंशन आगे है और एक्सेलरेशन भी आगे है, तो कॉस टी ए वन कॉस जीरो, बड़े वाले ब्लॉक पे टेंशन पीछे लग रहा है टू टी और एक्सेलरेशन ए वन आगे है, तो प्लस टू टी ए वन कॉस 180 दैट इज इक्वल टू जीरो। ये छोटू वाले ब्लॉक पे एक्सेलरेशन ए टू था, ये ए टू होगा। तो यहां से अगर रिलेट करोगे तो टी कॉमन हो गया कॉस जीरो वन, ए टू इज इक्वल टू, ए टू इज इक्वल टू टू टाइम्स ए वन। तो ये हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया। तो ये तीन इक्वेशन बने। अब अगर मैं इन तीन इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा तो हमें बेसिकली अननोन वेरिएबल ए वन और ए टू मिल जाएंगे। इस ए टू का एक्सेलरेशन टेंशन टी में रख दो तो टेंशन टी की वैल्यू जो है वो एम ए टू है, और ए टू हम लोग अभी निकाले हैं कितना है, टू टाइम्स ए वन, तो टू स्मॉल एम ए वन दैट इज टेंशन टी स्मॉल स्मॉल ए वन के टर्म में। अब इस टेंशन को रख दो पुट इन इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इसको रख दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एफ माइनस टू टी इक्वल टू एम ए वन है, तो टी की वैल्यू अगर रख दोगे तो फिर यहां से ए वन हमें पता चल जाएगा। तो इसको उठा के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, बेसिकली इसको उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो चलो रखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है एफ माइनस एफ, इक्वेशन जो फर्स्ट है वो बेसिकली ये है कि हमारे पास एफ माइनस टू टी दैट इज कैपिटल एम ए वन है और टी की वैल्यू है
टू टाइम्स स्मॉल एम ए वन, तो इसको अगर यहाँ पे रख दोगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है और रिटेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, तो एफ माइनस टू टाइम्स स्मॉल एम ए वन दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम ए वन, तो ये एफ इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ए वन कॉमन आ जाएगा, तो कैपिटल एम प्लस फोर टाइम्स स्मॉल एम दैट इज ए वन आ जाएगा एक्सलेशन एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस फोर टाइम्स स्मॉल एम, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द बिगर ब्लॉक, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसका एक्सलेशन इतना आ जाएगा। चलो अब छोटे वाले ब्लॉक का एक्सलेशन निकालो फॉर स्मॉल ब्लॉक, फॉर स्मॉल वाले ब्लॉक, तो स्मॉल वाले ब्लॉक का एक्सलेशन कितना आ जाएगा, तो ये t इज इक्वल टू, हाँ हम सबको पता है कि अभी हम लोग रिलेशन निकाल के आए हैं कि ए टू इज इक्वल टू टू टाइम्स ए वन, ठीक है, तो बेसिकली जो ए टू है उसकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दो अब, तो टू ए वन की वैल्यू रख दो तो टू टाइम्स एफ एंड कैपिटल एम प्लस फोर टाइम्स स्मॉल एम, दिस इज द एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक्स टू, तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन मिल गया, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, फ्री बॉडी डायग्राम।